अशोक के साथ हम ग्राउंड की स्थिति देख लेते हैं। अशोक, आप रांची में हैं, लगातार सुबह से खड़े हुए हैं, क्या है स्थिति वहां की? देखिए, तीन सीटों पर बीजेपी जो लीडिंग में है, जो एग्जैक्ट जो अभी तक डाटा है, तीन सीटों पर बीजेपी, दो पर उसकी सहयोगी दल आजसू, वहीं एक सीटों पर जिस पार्टी की बात हो रही थी जेएलकेएम, जो जयराम महतो की पार्टी है, नई पार्टी है, और कहा जा रहा था कि ये वोट कटवा बनेगी, हालांकि वोट कटवा नहीं, एक सीट पर जेएलकेएम, गोमिया की ये सीट है जहां पर जेएलकेएम लीड कर रही है, दो सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, दो सीटों पर कांग्रेस, दो सीटों पर आरजेडी, यानी छह सीटों पर आरजेडी, जबकि तीन पर बीजेपी, दो पर आजसू और दो पर सीपीआईएम की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो वर्तमान में मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनकी बहू रश्मि प्रकाश चतरा से लीड कर रही हैं, चतरा सीट पर लीड कर रही हैं, यहां पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार है, एनडीए घटक दल से वहां पर उम्मीदवार है। और देखिए, लगातार ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा विपरीत जा रहा है, ऐसा लग रहा था शुरुआती रुझान में कि भारतीय जनता पार्टी काफी बेहतर स्थिति में रहेगी, लेकिन फिलहाल जो अब तक जो परिणाम आ रहे, हालांकि बेहतर स्थिति में अभी भी है, सात सीटों पर लगभग लीडिंग पोजीशन में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, पांच पर आईएनसी, पांच पर, यानी आईएनसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी को देख ले चुकी है, गठबंधन में है तो 13 सीटों पर, यानी विपरीत जैसी स्थिति हो गई। थोड़ी देर पहले जहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, एनडीए जहां लीड कर रही थी, अभी के मैं एग्जैक्ट आपको ग्राउंड जीरो से ये बता रहा हूं डाटा, तो विपरीत थोड़ी सी जा रही है यहां पर स्थितियां। और देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट हो रही है, मिनटों मिनटों में ये अपडेट बढ़ती जा रही है, और दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ा रही है, चाहे वो कांके रोड का नजारा हो या हरमू रोड के बीजेपी कार्यालय का, दोनों जगह जो तमाम नेता है। थोड़ी देर मैं जिस वक्त जहां से जुड़ा हूं, यहां से थोड़ी दूरी पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी मौजूद है, उनसे मैं जब बात कर रहा था वो कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत, लेकिन आंकड़ा नहीं बता रहे थे कि आंकड़ा क्या होगा। देखिए, फिर बीजेपी गठबंधन जो है, एनडीए एक बार फिर हावी हो गई है, आगे बढ़ गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां 13 सीटों पर लीडिंग है, ये तीसरे चरण के बाद का रुझान बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अभी डाटा नहीं आया, लेकिन तीसरे चरण की रुझान के बाद बता रहा हूँ, पांच सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, पांच पर कांग्रेस, तीन पर आरजेडी, और सीपीएम की बात कर रहे तो ये हालांकि गठबंधन में थोड़ी सी अलग लड़ रही थी, कहीं पर फ्रेंडली फाइट में थी, लेकिन ये फाइनली इंडिया गठबंधन की तरफ ही जाती है, यानी 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन, वहीं 10 सीटों पर एनडीए, 7 पर बीजेपी, 3 पर आजसू और 1 पर जिस पार्टी की हमेशा चर्चा हो रही थी खास करके इस चुनाव में, जेएलकेएम, जयराम महतो की पार्टी, एक सीट पर, गोमिया सीट है, हालांकि जयराम महतो स्वयं बेरमो से लड़ रहे थे, बेरमो वो पीछे चल रहे हैं, बेरमो में कुमार जयमंगल जो अनूप सिंह है, राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, वर्तमान में भी वो विधायक है, वो लीड कर रहे हैं जी। और देखिए, रांची सीट, रांची पर सातवीं बार सीपी सिंह चुनावी मैदान में है, सातवीं बार सीपी सिंह चुनावी मैदान में है, और एक और नेता वो सातवीं बार चुनावी मैदान में, वो है कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन, तो दोनों पर कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई है, और दोनों की स्थिति बेहतर है, फिलहाल स्थिति बेहतर है, पोस्टल बैलेट की बात करें तो दोनों लीड कर रहे हैं। अशोक, जो ईवीएम के अपडेट्स आ रहे हैं, अशोक ईवीएम के जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें तो जो इंडिया अलायंस है वो आगे दिख रही है, अभी तक जो अपडेट्स आए हैं वो बीजेपी 7 सीटों पर आगे दिख रही है, आजसू पार्टी 3 पे दिख रही है, 7-3-10 हो गया इनका, लेकिन जेएमएम 5 सीटों पर, आईएनसी 5 सीटों पर, आरजेडी 3 सीटों पर, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बैलेट, पोस्टर बैलेट तो एक बहुत कम वोट होता है, ईवीएम का तो एक बड़ा आंकड़ा है। अंकित, मैं अपडेट कर देता हूं, देखिए अभी की जो अपडेट है, 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 6 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर सीपीएमएल है, 3 सीटों पर आरजेडी, यानी 12 और 6 19 सीटों पर इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रही है, वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी 9, 3 आजसू, यानी 12 सीटों पर जहां एनडीए है वहीं 19 सीटों पर, ये लेटेस्ट अपडेट में बता रहा हूं, काफी आगे चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, 7 सीटों पर इंडिया इंडियन कांग्रेस जो है वो 6 सीटों पर, आरजेडी 3 सीटों पर उसकी सहयोगी दल है, और सीपीआईएमएल हालांकि गठबंधन से बाहर है लेकिन गठबंधन का ही हिस्सा रही है, तो 19 सीटों पर फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, यानी बढ़त की तरफ बढ़ता जा रहा है, हालांकि वो जादुई आंकड़ा अभी काफी दूर है दोनों दलों के लिए, 41 का वो जादुई आंकड़ा है, लेकिन उसकी ओर इंडिया गठबंधन फिलहाल
रुझानों में काफी आगे चल रहा है बीजेपी और आजसू। बीजेपी 9 सीटों पर, आजसू 3 सीटों पर। देखिए बीजेपी जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो वहां पर अगर 9 सीटों पर वो रुझान में आ गए तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेताओं के लिए और खास करके उन नेताओं के लिए थोड़ी सी चिंता, जब वो टीवी देख रहे होंगे, हमारी भी जब लाइव को देख रहे होंगे, उनके लिए चिंता बनी होगी। जिन्होंने अर्धशतक लगाया था चुनावी सभा का, मैं हिमंता बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ, दोनों नेताओं ने जिस प्रकार से झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में दिन रात एक एक दिन में 5-5, 6-6 सभा हुई थी अंकित, और हम लोग लगातार उन तमाम चीजों को कवर कर रहे थे। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा का शतक लगा दिया है। और अंकित बता रहा हूँ कि जो चुनाव जो रुझान में जो परिणाम आ रहे हैं, ये केवल और केवल महिला वोटर जो सबसे निर्णायक फैक्टर पूरे चुनाव का इस बार होने जा रही है। 81 में से 68 विधानसभा सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत काफी आगे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना कहीं ना कहीं मैया योजना से वो काफी कनेक्ट हुई है, क्योंकि 400 की अंकित उन्हें मिल चुका है। हालांकि अगले बार से जो वादा है, अशोक, ये अपडेट्स काफी आश्चर्यजनक है कि लगभग दोनों का, जो अभी मैं नया अपडेट जो देख रहा हूँ ECI पर और जो हमारे अपडेट्स आ रहे हैं जो अभी तक के, उसमें 34-34 सीटों पर दोनों बराबर। इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो अभी EVM के आ रहे हैं जो वो दिख रहा है, 34-34 सीटों पर अपडेट्स दिख रहे हैं। मैं आपके पास आऊँगा, और जो कि हमारे पास पोस्टर बैलेट के साथ जो प्लस जो वोट टोटल दिख रहा है उस पर भी बीजेपी उसमें एक सीट पीछे दिख रही है, जो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है 37 और 38 का ये आंकड़ा है, ये काफी आश्चर्यजनक है। हाँ अशोक, कुछ बोल रहे थे आप? अंकित, मैं बता रहा हूँ कि जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वो EVM प्लस पोस्टल बैलेट को जोड़कर, मैं जिस आंकड़े की बात कर रहा हूँ ये EVM का रुझान है। EVM में फिलहाल अभी भी देखें तो 9 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर आजसू, यानी 12 सीट पर NDA, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करूं तो 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 6 पर कांग्रेस, 3 पर RJD और 3 पर CPML और 1 सीट पर JLKM जो निर्दलीय उम्मीदवार है, काफी निर्णायक फैक्टर है। देखिए पोस्टल का भी चल रहा है, पोस्टल बैलेट की जो होती है आप भी जानते हैं थोड़ी स्लो प्रोसेस होता है, उसका रुझान होता है वो थोड़ा स्लो होता है। हालांकि जिस रुझान की आप बात करें वो पोस्टल प्लस EVM है। EVM का मैं रुझान बता रहा हूँ, देखिए एक नया अपडेट आ गया अंकित, नया अपडेट आया है, 11 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई है, आजसू 3 सीटों पर ही है, 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन, और देखिए NDA गठबंधन के लिए 9 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 9 पे कांग्रेस और 4 पर आपका RJD, यानी 9, 9, 18 और 4, 22 सीट और 3 CPML, यानी 25 पर। ये मैं EVM की बात कर रहा हूँ, EVM में फिलहाल इंडिया गठबंधन 25 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है और उस जादुई आंकड़े के तरफ तेजी से बढ़ रही है। NDA गठबंधन के मुताबिक अगर देखें तो थोड़ा यहाँ का स्लो प्रोसीजर है उस मुताबिक, हालांकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस काफी कमजोर फैक्टर होगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान है अंकित उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस कहीं से भी कमजोर पड़ रही है, बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वो पैरेलल चल रही है, 9 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। अशोक, एक अपडेट मैं दे रहा हूँ EVM का है, इरफान अंसारी जो कि जामतारा से चुनाव लड़ रहे हैं सीता मुर्मू के खिलाफ, ये लगातार काफी ज्यादा विवादों में ये सीट रही है। अशोक, इरफान अंसारी ने कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए थे जिसके बाद सीता मुर्मू ने विरोध भी किया था, तो सीता सोरेन से वो 4300 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये जो जामतारा सीट है, जामतारा सीट क्या फिर से वही अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराएगी, क्या लग रहा है? देखिए अंकित, मैं बता दूं कि जामतारा सीट, जिस जामतारा सीट की आप बात कर रहे हैं, इरफान अंसारी 2 टर्म से वहां विधायक है, हैट्रिक लगाने के इस बार चुनावी मैदान में है, उनके चुनावी यात्रा को रोकने के लिए सीता सोरेन को उतारा गया, और ये कहा जाता है कि सीता सोरेन को उस सीट पर जाने से आदिवासी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं उनका जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ एक माइंडसेट बदलने की कोशिश थी, और दूसरी की संथाल में सोरेन परिवार का जो प्रभाव रहा है, सोरेन परिवार की ही बड़ी बहू है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की वो पत्नी है, तो उस सिंपैथी को भी लेने की कहीं कोशिश की गई थी। लेकिन बता दो कि इरफान अंसारी के लिए वो जो विधानसभा सीट है या जो वहां के जो लोग हैं, जनता है, मतदाता है, वो कोई नए नहीं है, लेकिन सीता सोरेन के लिए वो नए थे, क्योंकि सीता सोरेन की परंपरागत जो सीट है वो जामा रही है, ना कि जामतारा। और जामतारा की अगर बात करूं तो इरफान अंसारी से पहले उनके पिता फुरकान अंसारी भी वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और इरफान अंसारी देखिए बड़ बोले जरूर हैं, लेकिन धरातल पर मैं भी गया हूं, आप भी कुछ महीने पहले आए थे तो आप भी जामतारा गए थे। इरफान अंसारी ने काम तो किया है और काम के बदौलत ही जनता कहीं ना कहीं उन्हें अपने वोट के रूप में, हालांकि शुरुआती रुझान है अंकित, अभी चीजें बहुत बदलेगी, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन इरफान अंसारी ने जो कहा भी था कि हमें काम के बदौलत वोट मिलेगा, तो जनता का जो शुरुआती रुझान ऐसा लग रहा है कि
और थोड़ी सी लोगों से अगर कनेक्शन की बात करूं तो जामताड़ा में कहीं ना कहीं सीता सोरेन थोड़ी पिछड़ी है, क्योंकि उनके लिए एकदम से नया स्थान था, मात्र 2 महीने का समय बचा। उतने दिनों में अगर आप कनेक्शन की बात करें, और कोई अगर प्रत्याशी अगर 10 सालों से वहां पर समय गुजारा है, उसके पिता ने भी लंबा वहां का टेन्योर देखा है, तो उस मुकाबले में अगर देखें तो इरफान अंसारी बिल्कुल भारी पड़ते जाएंगे।